नमस्कार, आपण मानक स्वागत जन आरंभ कर राउरकेला संवाद। आज मुख्य संवाद रे भारत माननीय प्रधानमंत्री द्वारा एनएसपीसीएल राउरकेला पीपी दुई संप्रसारण प्रकल्प लोकार्पित, पाइपलाइन विभाग रे सृजनी पुरस्कार कार्यक्रम आयोजित एवं दीपिका इस्पात शिक्षा सदन रो दशम श्रेणी बोर्ड परीक्षार्थी को परीक्षा टिप्स और किट प्रदान। एथेरे सुनंतु संपूर्ण संवाद। भारत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी फेब्रुवारी 3 तारीख रे संबलपुर रे आयोजित एक कार्यक्रम रे एनटीपीसी सेल पावर कंपनी लिमिटेड एनएसपीसीएल राउरकेला पीपी दुई संप्रसारण प्रकल्प 1:250 मेगावाट लोकार्पण करथिले। ए अवसर रे ओडिसा रे माननीय राज्यपाल श्री रघुवर दास, ओडिसा रे माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक, माननीय केन्द्र शिक्षा दक्षता विकास एवं उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान, माननीय केन्द्र रेलवे जोगाजोग और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रजुक्ति विद्या मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव, माननीय आदिवासी व्यापार और जलशक्ति राष्ट्रमंत्री श्री विश्वेश्वर टुडु एवं अन्य मान्यगण्य व्यक्ति उपस्थित थिले। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा प्रकल्पर लोकार्पण को प्रत्यक्ष करने आरएसपी परिसरस्थ एनएसपीसीएल एक विशाल कार्यक्रम आयोजन आरएसपी और बोकारो इस्पात कारखानार भारप्राप्त निर्देशक श्री अतनु भौमिक, आरएसपी कार्य विभाग निर्वाही निर्देशक श्री एस आर सूर्यवंशी, सामग्री परिचालन विभाग निर्वाही निर्देशक श्री सोमनाथ त्रिपाठी, कार्मिक और प्रशासन विभाग तथा प्रकल्प विभाग निर्वाही निर्देशक श्री तरुण मिश्र, खणि विभाग निर्वाही निर्देशक श्री आलोक वर्मा, वित्त और लेखा विभाग निर्वाही निर्देशक श्री ए के बेहुरिया, एनएसपीसीएल राउरकेला जीएम तथा बिजनेस यूनिट हेड श्री सुब्रत दे, जीएम ओएस श्री त्रिदीप देव, एचआर विभाग जीएम सुश्री प्रेमलता, ओ एंड एम विभाग जीएम श्री पीसी हुडर, एनएसपीसीएल एवं आरएसपी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। एक कार्यक्रम में बहु संख्यक कर्मचारी ठिका श्रमिक एवं उभय प्लांट सहयोगी जोग देते। उल्लेख्य 2313 कोटी टंका विनियोग स्थापित एनएसपीसीएल 250 मेगावाट प्रकल्प आरएसपी को निर्भरजोग्य विद्युत जोगाइबा प्रतिष्ठित होई जहां अर्थनैतिक अभिवृद्धि पर गुरुत्वपूर्ण अटे। यह प्रकल्प अत्याधुनिक ज्ञानकौशल रूपे निर्मित एवं आधुनिक कारीगरी संपन्न यंत्रोपकरण से सज्जित होई जहां सर्वोच्च परिवेश मानदंड को सुनिश्चित करुछि। राउरकेला इस्पात कारखानार पाइपलाइन विभाग कर्मचारी मानक जनवरी 30 तारीख में एक सृजनी मेला और पुरस्कार उत्सव आयोजित होता। पाइपलाइन विभाग जीएम श्री अविनाश चौधरी अध्यक्षता करी पुरस्कार वितरण करते। एहि अवसर में आईईडी विभाग जीएम श्री एम एस मंगर, विभाग अन्य वरिष्ठ अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थिले। एहि अवसर में श्री अविनाश चौधरी पुरस्कार विजेता मानंकु सेमानकर मूल्यवान परामर्श पई प्रशंसा करथिले एवं कारखानार उन्नति और अभिवृद्धि पई अधिक अभिनव परामर्श देबाकु अनुप्रेरित करथिले। श्री मंगर विभाग तथा कारखानार सृजनी स्थिति विषय वर्णना करथिले। उत्सव में मोट 118 प्रस्ताव पुरस्कृत करा जहां मध्य 116 प्रस्ताव कार्यकारी हो सारी। कार्यान्वित प्रस्ताव पर कर्मचारी 22,500 टंकार पुरस्कार राशि प्रदान करा। प्रस्ताव गुड़िक द्वारा एककालीन 167.5 लाख टंका और 144.1 लाख टंकार पुनःपौनिक लाभ साधित हो पारी। यह अवसर में सृजनी मेला 120 रु अधिक प्रस्ताव ग्रहण कर पाइपलाइन विभाग जीएम श्री पीसी दास शेषे धन्यवाद अर्पण करथिले। राउरकेला इस्पात कारखाना द्वारा आर्थिक अनग्रसर छात्र छात्री स्थापित निःशुल्क विद्यालय दीपिका इस्पात शिक्षा सदन में फेब्रुवारी 2 तारीख दिन आयोजित एक कार्यक्रम में दशम श्रेणी बोर्ड परीक्षा देवाक विद्यालय छात्र छात्री परीक्षा टिप्स और किट प्रदान कर। उल्लेख्य जे एही विद्यालयटी इस्पात सहर अग्रणी जनहितैषी संगठन दीपिका महिला संगति द्वारा परिचालित अटे। एही अवसर में दीपिका महिला संगति उपाध्यक्षा प्रोफेसर सुस्मिता दास, श्रीमती प्रभाती मिश्र, श्रीमती नम्रता वर्मा उपस्थित रही छात्र छात्री मानंकु स्नैक्स पैकेट सहित कार्डबोर्ड और लेखा सामग्री किट प्रदान करथिले। एही अवसर में दीपिका महिला संगति संपादिका श्रीमती निधि सिंगल,
डीएमएस परिचालना कमिटर सदस्य तथा स्वेच्छासेवी प्रधान शिक्षक श्री एसके सामल और विद्यालय अन्य शिक्षक शिक्षयित्री माने उपस्थित थिले। मान्यगण्य व्यक्ति माने परीक्षा समय विषयगुड़िकर अंतिम प्रस्तुति और संशोधन एवं प्रश्नपत्र उत्तम पाई उत्तम आभिमुख्य विषय छात्र छात्री मानक मार्गदर्शन कराइले। समस्त छात्र छात्री को शुभेच्छा जणाइबा सह परीक्षा रे उत्तम प्रदर्शन करी विद्यालय नाम रखिया पई अनुप्रेरित करथिले। प्रेरणादायक अधिवेशन रे दशम श्रेणी छात्री सुश्री सानिया मुखी विद्यालय रे निजर दस वर्षर अभिज्ञता विषय रे कहिथिले। विद्यालय रे समुदाय 39 जन छात्र छात्री चलित वर्षर दशम बोर्ड परीक्षा देबे। एहि कार्यक्रम को विद्यालय रे वरिष्ठ शिक्षयित्री श्रीमती विजयिनी जेना संयोजना करथिले। उल्लेखयोग्य जे 2016 मसीह प्रथम ब्याच छात्र छात्री बोर्ड परीक्षा देते और से ही दिन ठार् विद्यालय में 100% पास हार रेकर्ड हो। आज संवाद प्रसारण को यही शेष कर। नमस्कार।